अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हरीम बेग और आप देख रहे हैं अलखदमत न्यूज। खबर शामिल करेंगे कसूर से। इलाका थाना ए डिवीजन जिला कसूर से एक बच्चा जिसका नाम तलहा उमर 8 साल है गुम हो गया था। लोग मुश्तइल हो गए, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। डीएसपी सिटी मोहम्मद याकूब ऐवान साहब नमाज पढ़ रहे थे कि फौरन वहां से निकले और मुकामी पुलिस के साथ मिलकर बड़ी मुश्किल से तलाश करके बच्चे को वर्साह के हवाले कर दिया। मुश्तइल लोगों ने साथ ही पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। कसूर पुलिस जिंदाबाद, डीपीओ इमरान किश्वर जिंदाबाद, डीएसपी याकूब ऐवान जिंदाबाद के नारे भी लगाने शुरू कर दिए। जी नाज़रीन, अलखिदमत न्यूज की स्क्रीन पर मुलाहिजा कीजिएगा। आपके बच्चे, मैं डीएसपी हूँ इलाके का, आपके बच्चे हमारे बच्चे हैं इंशाल्लाह। हमारी जब तक जिंदगी है हम आपके मुहाफिज हैं, हमने कोई आप पे एहसान नहीं करना। नमाज पढ़ रहे थे, बच्चे के इतला मिली, नमाज छोड़ के आ गया और अल्लाह से दो नफल हाजत पाने थी। अल्लाह ताला ने करम किया, बच्चा मिल गया। बच्चों से शफकत किया करें और बच्चों की हिफाजत किया करें। अब कसूर में कभी कोई बच्चा नहीं उठाया जाएगा, कभी कोई नहीं होगा। ये जितनी पुलिस की जिम्मेदारी है इतनी माँ बाप की भी जिम्मेदारी है। खुदा के लिए अपने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दें, अपने बच्चों को प्यार करें, अपने बच्चों की एक्टिविटीज पे हरकत पे गौर किया करें। आप अपने बच्चों के बेहतर मुआफ़िज़ हिफाजत किया करें। खुदा ना खास्ता आप जितने भी हुए हैं, हमने 4-5 दिन पहले एक बच्ची, लोगों को परेशानी हो जाती है क्योंकि पिछले कसूर इस हालात में गुजरा है कि हर बंदे का जहन दूसरी तरफ चला जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई डाकू, कोई कातिल, कोई चोर चक्का इस किस्म नहीं करेगा। बच्चों की अपनी होती है, छोटे मासूम बच्चे होते हैं, घर से नाराज हो जाते हैं, बाद मदरसे में सुकून नहीं जाने को दिल करता, गायब हो जाती है। हिफाजत करें, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सब कहानियों ना अफसर हो। अस्सलाम वालेकुम।